कारोबार करने की सहूलियत में भारत की रैंकिंग सुधरने पर सवाल उठाने वालों पर भी पीएम मोदी ने हमला बोला। दिल्ली में प्रेजेंटेशन ऑन इंडियाज बिजनेस रिफॉर्म्स कार्यक्रम में कई मंत्रियों समेत उद्योग जगत के करीब 300 प्रतिनिधि शामिल हुए। वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग में सुधार पर जारी सियासत के बीच पीएम मोदी ने यूपीए सरकार पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि वर्ल्ड बैंक में काम कर चुके लोग भी भारत की रैंकिंग में हुए सुधार पर सवाल उठा रहे हैं। पीएम ने कहा कि मेरे पास सिर्फ लोगों की सेवा का काम है। कुछ लोगों को भारत की रैंकिंग 142 से 100 होने की बात समझ नहीं आती है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पहले वर्ल्ड बैंक में रह चुके हैं, वो आज भी भारत की रैंकिंग पर सवाल उठा रहे हैं। मैं ऐसा प्रधानमंत्री हूं उसने वर्ल्ड बैंक का बिल्डिंग भी नहीं देखा है, जबकि पहले वर्ल्ड बैंक को चलाने वाले लोग यहाँ बैठा करते थे। ताजा रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग में 30 पायदान का सुधार हुआ है। भारत को 100वां स्थान मिला है। 2014 में भारत की रैंकिंग 142 थी, जबकि पिछले साल 130वीं रैंकिंग थी। सरकार ने व्यापार आसान करने के लिए अलग अलग फॉर्म्स की संख्या घटाई। वर्ल्ड बैंक ने पीएफ फंड का भुगतान करने के लिए ऑनलाइन माध्यम शुरू करने के फैसले को सराहा है। कंपनियों के रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, टैक्स भरने जैसी जरूरी चीजों को सरकार ने सरल बनाया है। वर्ल्ड बैंक की सीईओ क्रिस्टीना ने भारत के आर्थिक सुधारों को मील का पत्थर बताया है। बिहार के बेगूसराय में भगदड़ मचने से 3 लोगों की मौत हो गई। अफरातफरी की ये तस्वीरें बेगूसराय के समरिया घाट की हैं। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर समरिया घाट पर काफी भीड़ थी। अफवाह की वजह से भगदड़ मचने की बात सामने आई है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि अफवाह क्या थी और किसने फैलाई। बताया जा रहा है कि जहां हादसा हुआ वहां न वॉच टावर का इंतजाम था न लाउडस्पीकर का। घाट तक पहुँचने वाले रास्ते में भी कई जगह निर्माण का काम चल रहा था। कार्तिक पूर्णिमा होने की वजह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी, लेकिन प्रशासन ने कोई खास इंतजाम नहीं किए थे। बद इंतजामी का आलम यह था कि पुलिसकर्मी बिना स्ट्रेचर के ही शवों को उठाकर ले जा रहे थे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश सरकार को हादसे की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और यदि प्रशासन इस पर सर यदि एक्शन नहीं लेती है तो ज्यादा से ज्यादा खतरा हो सकता है। सर भरौनी थाना अंतर्गत बेगूसराय जिला में जो पड़ता है वहाँ पे लोग जमा हुए थे। हालांकि व्यवस्था का आकलन के आधार पर ही किया गया था, लेकिन फिर भी वहाँ पर भीड़ अत्यधिक होने के कारण और बगल में एक मंदिर भी है, उस वजह से भीड़ जब बढ़ी तो दम घुटने से 3 महिलाओं की मृत्यु होने की जानकारी प्राप्त हुई है। और इसमें सारी चीज़ें जो हैं पर्व त्यौहार का जो अवसर आता है जिसमें भीड़ वगैरह के अंदेशा ज़्यादा होते हैं, उसी हिसाब से प्रशासन को हर एक चीज़ों की तैयारी रखनी चाहिए थी इसमें। हादसे पर नीतीश कुमार ने दुख जताया है। प्रशासन ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। 19 नवंबर 2012 पटना में छठ पूजा के दौरान भगदड़ मची, 20 लोग मारे गए। 10 फरवरी 2013 इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची, 36 लोगों की मौत हो गई। 5 अक्टूबर 2014 पटना में रावण दहन के दौरान भगदड़ में 33 लोगों की मौत हुई। अगस्त 2015 देवघर में बाबा धाम में भगदड़ मचने से 11 लोगों की मौत हुई। 3 अगस्त 2006 हिमाचल प्रदेश के नैना देवी मंदिर में भगदड़ होने से 160 लोग मारे गए। बिहार सरकार ने मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने इंडिगो एयरलाइन स्टाफ पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु के साथ इंडिगो एयरलाइन के एक स्टाफ ने बुरा बर्ताव किया है। आहत होकर सिंधु ने ट्विटर पर एयरलाइन से अपनी शिकायत दर्ज कराई है। सिंधु ने ट्विटर पर लिखा है कि इंडिगो की फ्लाइट 6E608 में मेरे साथ किसी अजितेश नाम के ग्राउंड स्टाफ ने दुर्व्यवहार किया। फ्लाइट में मौजूद एयर होस्टेस आशिमा ने उस व्यक्ति को ठीक व्यवहार करने की सलाह भी दी। सिंधु की शिकायत के बाद इंडिगो ने उनसे मिलने के लिए वक्त मांगा है। पीवी सिंधु ओलंपिक में सिल्वर मेडल विजेता रही हैं। वो इंडिगो की फ्लाइट से हैदराबाद से मुंबई आ रही थी। पीवी सिंधु से दुर्व्यवहार के लिए इंडिगो ने माफी मांगी है।
इंडिगो एयरलाइंस ने अपने स्टाफ का बचाव करते हुए कहा है कि हमारे लिए सुरक्षा सर्वोपरि है और स्टाफ सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था। दिल्ली में चल रहे इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल वर्ल्ड फूड इंडिया में आज खिचड़ी बनाने का रिकॉर्ड बनाया गया। दिल्ली के वर्ल्ड फूड इंडिया फेस्टिवल में तैयार खिचड़ी ने विश्व रिकॉर्ड कायम किया। इसे पकाने के लिए मशहूर शेफ संजीव कपूर की देखरेख में 200 कारीगरों ने काम किया। इसके अलावा इसमें पतंजलि की 100 किलो शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल हुआ है। ये खिचड़ी एक गैर सरकारी संस्था के जरिए बच्चों में बांटने के लिए है। मौके पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारी भी मौजूद रहे। इसमें हिंदुस्तान का दिल है, मैं कहूँगा, क्योंकि दाल चावल हम सदियों से खाते आए हैं। अपनी परंपरा को आगे ना लेके जाएं ऐसा तो संभव नहीं है। और जो होम स्टाइल इंडियन फूड है उसकी बातें ज़्यादा नहीं होती हैं। खिचड़ी के माध्यम से स्वास्थ्य का एक नया सूत्र पूरी दुनिया को मिलेगा और ये सारे न्यूट्रिशन इसके अंदर होते हैं। इससे बेहतर रेसिपी हेल्थ के लिए दूसरी नहीं हो सकती। हिंदुस्तान में जितनी भी खिचड़ी पकड़ी है उन सबको रिप्रेजेंट करेगी ये हिंदुस्तान की खिचड़ी है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2017 के दूसरे दिन दुनिया भर के 70 देशों के पारंपरिक 2017 में पिज्जा, बर्गर, चाउमीन और पास्ता जैसे डिश भी शामिल है। यहाँ पर खिचड़ी को भारत की तरफ से सबसे पसंदीदा खाने के रूप में पेश किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय और CII मिलकर कर रहे हैं। इस फूड फेस्टिवल में दुनिया भर के 70 देशों से फूड प्रोसेसिंग एक्सपर्ट शामिल हो रहे हैं।